राधे राधे। आप सभी को संतरा जी की सरगम में आपका स्वागत है। तो ये श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, आइएगा श्राद्धों की कहानी सुनते हैं। एक नगर में दो भाई रहते थे, एक का नाम छगन था, एक का नाम मगन था। छगन बहुत ही पैसे वाला था, मगन के पास कुछ भी नहीं था, वो बहुत ही गरीब था। लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक थी, अच्छे विचार वाली थी। एक दिन छगन की पत्नी छगन से बोली कि आपके माता पिता का श्राद्ध आने वाला है और उनको जिमाना है और ब्राह्मणों को जिमाना है। तब छगन उसकी पत्नी की बात सुनकर के नहीं अनसुनी करने लगा। तब उसकी छगन की पत्नी ने उसको समझाया कि देखो, अच्छा मौका है अपना धन को दिखाने का लिए है, जो शायद आप मेरी वजह से मना कर रहे हो, मैं मगन की पत्नी को बुला करके नी भोजन बनवा लूँगी। उसने मगन की पत्नी को पीहर से बुला लिया। वो सवेरे बहुत ही जल्दी आ गई, आ करके नी उसने पूरा पकवान बना लिया। सारा काम समेट कर वो घर जाने लगी, उसको भी तो श्राद्ध निकालनी थी। तब स्वर्ग लोग से उसके पितृदेव माता पिता आया, आकर के नी दरवाजा पे देख रहे हैं, उसके घर में उसके पीहर वाले जीम रहे हैं। पितृदेव बहुत ही निराश हो गए और वहाँ से वापस चले गए। वो अब मगन के घर में गया, उसके पास जिमाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने बूरा लेके और घी लेकर अंगारी पे भोग लगा दिया। वे उसी को चाट करके नी सरोवर की तीर पे चले गया। थोड़ी देर बाद में वहाँ और भी पितृदेव आ गया। सभी अपने अपने भोजनों की प्रसन्नता करने लगे। तब वो भी कहने लगे, अपने जो जीम का है वो सब बताने लगे। फिर मन में विचार करा था कि उसके मगन के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जो था वो उसने जिमा दिया। ये कहकर के नहीं वो बहुत ही भगवान से प्रार्थना करने लगाया कि मगन के पास धन हो जाए, मगन के पास धन हो जाए, ऐसे प्रार्थना कर रहे थे। ऐसे करते करते शाम हो गई। मगन के घर में बच्चे भूखे खेल रहे थे। वो अपनी माँ से आकर के नहीं बोला कि माँ, हमको भूख लग रही है। उसकी माँ ने कहा कि जाओ रसोई में देख लो, कुछ मिल जाए तो खा लेना। बच्चे रसोई में आया, आकर के नहीं देखा कि वहाँ पर खूब सारे पकवान बने रखे हैं और खूब मोहरे रखी हैं। वो अपनी माँ से जाकर के नहीं बोला, माँ ने आकर के नहीं देखा, देखे तो खूब सारे पकवान बने हुए रखे थे और खूब मोहर सरपिया रखी थी। तब उन्होंने पितृदेव से प्रार्थना करी कि अगली बार हम खूब ही धूमधाम से पितरों को जिमाएंगे। अगली साल फिर पितृ पक्ष आया तो उन्होंने खूब ही धूमधाम से उनको जिमाया और खूब ब्राह्मण जिमाया, खूब उनको दक्षिणा दी। इससे भगवान पितृदेव बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के नहीं उनको खूब ही आशीर्वाद दे गए। बोलो पितृदेव की जय।